श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राधा मदन मन कृष्ण बलराम गणिताय की, नृसिंहदेव भगवान की, समवेत गौर भक्तवृंद की, हिताय गौर विमानंदी गंतराज श्रीमद्भागवतम की। ओम ज्ञानतिमिरं दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरमृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामयं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्तं। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदिशतारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च प्रतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतीशे नमो नमः। हे कृष्ण करुणार्सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकागंत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। लीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मनि बलभद्रं सुभद्रा जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करति वाचलं पुंगलं गतिगिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनकारिणं। नारायणं नमस्कृत्य नरश्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायसभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भावती नष्टी। हरे कृष्ण श्रीमद्भागवतम पंचम स्कंध छह अध्याय पंद्रह नंबर श्लोक हम लोग पाठ करके श्रवण करेंगे।
मुझे पता था अच्छा इसके 16 नंबर है, मैं वहाँ से टुका था, जिस दिन मुझे बताया था तो उसमें था 16 नंबर, आज यहाँ 15 नंबर है। जो नु अस्या कष्टम अनुगच्छे, बोलिए मने रथेन, मने रथेन अप्याभव्यस्य जोगी, जो जो गोमायां श्रीह स्पृहायतस दस्ताम हि शक्तयायेन कृता प्रयत्ना, को नु अस्य कामान उपर अनुगच्छेतः, मन रथेन अपि अववैश्य जोगी, यो योगया स्पृहयति उदस्ताम हि असत्तया येन कृता प्रयत्नाम, कनु अस्य कष्टम उपर अनुगच्छेत्, मन रथेन अपि अववैश्य योगी, या योगमाया स्पृहयति उदस्ताम हि असक्तया येन कृता प्रयत्नाम। को नु अस्य कष्टम परयनुगच्छेत्, मन रथेन अप्याभवस्य जोगी, यो योगमायां स्पृहयत्यस्तसद्दस्ताम हि उदस्तायेन कृता प्रयत्ना। जनु गच्छ जो योगमायं दस्तां हि असक्तयेन कृता प्रयत्ना, नानु अस्य कष्टं परयनुगच्छेत्, मनोरथेन अप्याभवस्य जोगी। यो योगमायां स्यत्तस्वसा यसक्तयेन कृतप्रयत्ने, Thank you.
कष्टम पर अनुगछे मनोरथे जोगी जय गमायं स्प्रियय दुर्दस्ता हरे कृष्णा। इस श्लोक का शब्दार्थ और अनुवाद तात्पर्य को कौन नु निस्संदेह अस्य भगवान ऋषभदेव का कष्टम आदर्श ऊपर अन्य अनुगच्छेत अनुगमन कर सकता है मनोरथेन मन से अपि भी अभवश्य आजन्म का यगी यगी या जो जोगो माया जग सिद्धि स्प्रिहा यति स्प्रिया करता है कामना करता है उदस्ता ऋषभ देव द्वारा परित्यक्त ही अशक्तया अपूर्ण होने से असत से ये न जिसके द्वारा ऋषभदेव द्वारा कृत प्रयत्न यद्यपि सेवा करने के लिए इच्छुक अनुवाद भला ऐसा कौन योगी है जो अपने मन से भी भगवान ऋषभदेव के आदर्शों का पालन कर सके। उन्होंने इन समस्त योग सिद्धियों का तिरस्कार कर दिया या जिसके लिए अन्य योगी लालायित रहते हैं। भला ऐसा कौन योगी है जो भगवान ऋषभदेव की समता कर सके। सही भक्त पीछे पीछे बोले भला ऐसा कौन योगी है जो अपने मन से भी भगवान ऋषभदेव के आदर्शों का पालन कर सके। उन्होंने इन समस्त योग सिद्धियों का तिरस्कार कर दिया था जिसके लिए अन्य योगी लालायित रहते हैं। भला ऐसा कौन योगी है जो भगवान ऋषभदेव की समता कर सके। तात्पर्य सामान्य रूप से योगी अष्ट सिद्धियों की कामना करते हैं। ये ही अनिमा लघिमा महिमा प्रकाम्य प्राप्ति इसीता वसीता तथा कामा बसईता। किंतु भगवान ऋषभदेव ने इन भौतिक उपादानों को भी कामना नहीं की। ऐसा सिद्धियां भगवान की माया द्वारा प्रस्तुत की जाती है। योग साधना का मुख्य उद्देश्य भगवान का अनुग्रह और उनकी शरण प्राप्त करना है। किंतु योग माया के कारण यह उपदेश प्रसन्न हो जाता है। फल स्वरूप तथाकथित जगी ऊपरी सिद्धियों के प्राप्ति आकृष्ट होते हैं। अतः ये भगवान ऋषभदेव की समता नहीं कर सकते। शिला प्रभुपाद का इसी श्लोक का तात्पर्य समाप्त है। हरे कृष्णा। इसमें भागवतम चतुर्थ स्कंद पंचम स्कंद में छः अध्याय में
भगवान ऋषभ जी के कार्यकलाप के बारे में बहुत सुंदर से यहाँ श्रीमद्भागवत में बख्शा हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि भगवान ऋषभदेव भगवान का सत्य अवतार है, उनका कार्यकल के माध्यम से पहले कुछ श्लोक में भी इसी की चर्चा हुआ है कि हर चीज को भक्ति जगत का, भक्ति संसार का और भक्ति के बारे में और हमारा परम पीढ़ी को जस के लिए हर चीज दृष्टिकोण में ऋषभदेव ने अपने जीवन के माध्यम से एक आदर्श को स्थापित किया गया है। जहाँ हर ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को समझाने के व सारे समाज को शिक्षा देने के लिए जिन्होंने एक क्या बोलते हैं आदर्श को प्रतिष्ठा किया है, उसी प्रकार हम लोग मध्य प्रदेश में प्रचार करता हूँ तो सभी पिता माता सोचता है कि हमारा बेटा अगर शिवाजी बन जाएगा तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। उसी प्रकार ऋषभदेव भी चाहता है कि हमारा सभी पुत्र अगर भरत हो जाए, उसी प्रकार ऋषभदेव का जीवन के आधार पर विचार किया जाए, चारों ओर दृष्टिकोण दिए विचार किया जाए कि ऋषभदेव इस श्लोक में जो चर्चा हुआ है उसके पहले एक श्लोक में दो श्लोक में चर्चा हुआ है कि इस परिवार में इसी प्रकार अगर ऋषभदेव के तरफ कोई वंश में एक पुत्र का जन्म हो तो सारी पुत्र जैन सिंहदेव भगवान की, भक्तराज प्रहलाद महाराज की, जय श्री राधा मदन कृष्ण बलराम गणिताय की, प्रभुपाद की। तो ऋषभदेव के जीवन के आधार पर इसको कार्यकलाप को यहाँ सुंदर से बख्शा कर रहा है ये तात्पर्य में। तो बिल्वमंगल ठाकुर कृष्ण कर्णामृत में बताया है भक्ति स्थि स्थिरता भगवान जदिश दैवन फतल किशोर मुक्ति मुक्ति स्वयं मुकुलतांजलि सभ्यते अस्मा धर्मार्थ काम समय प्रतीक्षा। भक्ति स्थि स्थिरता भगवान जदिश दैवन फलत किशोर मुक्ति मुक्ति स्वयं मुकुलतांजलि। इसमें बताया है कि किसी को अगर भक्ति प्राप्त होता है भगवान के प्रति उनके अन्ना विलास दर्शन ज्ञान कर्माद्यम अनावृतम सभी अभिलाष को जिन्होंने त्याग करके भगवान के चरण के जीवन में सौंप दिया है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता उनके संसार में कोई चीज में रुचि नहीं है, उसी प्रकार के भगवान उसको दर्शन देता है बालक रूप से। बिल्वमंगल ठाकुर बोल रहा है कि अगर कोई किसी को भक्ति स्थिर हो जाता है तो स्वयं भगवान बाल रूप तक उसके दर्शन देता है और उसके ऊपर किसी को अगर आनंद प्राप्त हो जाता है, एक बार दर्शन मिल जाता है तो दुनिया में कोई चीज इसको आकृष्ट नहीं कर सकता है। मुक्ति स्वयं मुकुलतांजलि, इसके मतलब है कि स्वयं मुक्ति देवी आता है, कीतांजल गला वस्त्र पकड़ करके भक्त के पास आते हैं, प्रभु मैं आपका कुछ सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन भक्तों की नहीं देखते। लेकिन हम सब भक्त का अगर ऐसा कुछ मिल जाए तो हमारा जीभ से पानी निकल गए, क्या बोलता है, थोड़ा थोड़ा करके गिरता रहेगा, इतना आनंद आएगा कि भौतिक चीज जो हम लोग भक्ति संसार में अगर कोई मिल जाता है उसके लिए संसार में हर चीज कीचड़ का समान हो जाता है।
जब तक उस स्तर पर नह जाता है तो अनिमा लघिमा प्राप्ति सीता भूषिता गाँव वसीता कोई सिद्धि प्राप्त हो जाए चमत्कार। तो ये मध्य प्रदेश में विशेषकर उज्जैन में अगर कुछ हमारे इस्कॉन से कुछ चमत्कार हो जाता है तो जल्दी प्रचार हो जाता है। ऋषभ देव का दृष्टिकोण से विचार किया जाए तो उन्होंने ये सब क्या अनिमा लघिमा प्राप्ति ये सब त्याग दिया है। उन्होंने भगवान के जीवन भगवान के गुण महिमा भगवान के लिए सब कुछ त्याग कर चुका है। तो उसी प्रकार श्रीमद् भागवत में ऋषभ देव के जीवन के आधार पर देखा जाए महाराज रंती देव उन्होंने भी ठीक ऋषभ देव का जीवन का प्राय है। उन्होंने भी राजा थे, राजा होने के बाद भी रात कोष से एक दाना भी नहीं लेते। अजाचक वित्ति इसके मतलब है भिक्षा नहीं कर सकता, एक भिक्षारी के तरफ जीवन बिताएगा लेकिन कोई अच्छी हृदय वाले आदमी आकर के उनको कुछ दे वही खा सकता है। कैसे, उन्होंने उसको अच्छा से रंधन करके भगवान कृष्ण जी को अर्पण करके भोजन करें, उनके हिस्से यही है अजाचक वृत्ति। हम लोग देखा है श्रीमद् भागवत में एक दृष्टांत है, उन्होंने कभी कभी ऐसा हृदय दिल हृदय वाले उनका नगरी में कभी कोई नहीं मिलते। ऋषभ देव को खाने के लिए एक दिन दो दिन इंतजार करना पड़ते, लेकिन उन्होंने कभी जीवन में नहीं सोचते थे कि मुझे भूख लगी है, जब मिले तब प्रसन्नता होती कि आज भगवान का सेवा करने के लिए एक मौका मिला है। क्यों, उन्होंने भगवान के अर्पण करेंगे। लेकिन हम लोग पता है भूख लाने से हम लोग का क्या हाल होता है, एक बार निर्जला हो जाता है तो सब गाल मुख सब तोबड़े मुबड़े कैसा हो जाता है। एक बार मैं भी एक बार निर्जला किया था मायापुर पहले बार, तो हमारा सारा चमड़ा सूख गया था। तो लेकिन रंतिदेव लास्ट 43-48 कितना दिन होगा, 48 दिन उन्होंने अजाचक वृत्ति में कोई ऐसा कोई व्यक्ति को उनके जीवन में नहीं मिला। 48 दिन के बाद उनका नगर में उनका राज्य में एक अच्छे हृदय वाले सोचा है कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने एक ग्लास खीर रंतिदेव के लिए लेकर आए। तो रंतिदेव सोचा बहुत प्रसन्न है, अगर बताइए अगर दो दिन खाने के नहीं खाने के बाद एक ग्लास खीर आएगा तो इंसान क्या होगा, वो किसे बताए बिना ही पी लेगा। हम लोग देखा है, हम लोग गए थे यहाँ में द्वारका दर्शन में गए, तो हमें एक लीलाए है कि कृष्णा और रुक्मिणी देवी एक बार दुर्वासा मुनि गए द्वारका सिटी के पास में, तो सुना है कि रुक्मिणी माता ने सुना कि दुर्वासा मुनि आए, तो उन्होंने पतिदेव को बताया तो हम लोग के वैष्णव सेवा करने के लिए और ब्राह्मण सेवा करने के लिए अच्छे मौका है ना, क्यों ना हमारा ये बगल में ही दुर्वासा मुनि आए। तो कृष्ण ने पहले सावधान किया, डेंजर है, देखो कुछ हो जाएगा तो हमारा मत बताओ, कुछ नहीं, इतना सुंदर मौका लेना चाहिए, ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो दोनों आए हैं, देखा आपको हमारा राज क्या बोलते हैं हमारा घर में जाना है, ठीक है लेकिन मैं ऐसा नहीं जाऊंगा, मुझे रात में लेकर जाना पड़ेगा और दो तुम दोनों पति पत्नी खींच करके लेकर चलोगे घोड़े के तरफ, ठीक है। तो घोड़ा गाड़ी लेकर आए है और दुर्वासा मुनि भी बैठ गया है और पति पत्नी खींचने लगा है कृष्ण और रुक्मिणी। तो कुछ दूर जाने के बाद रुक्मिणी देखो प्यास लगी है, तो पतिदेव को बताया कि हमारा प्यास इतना प्यास मिला है कि मैं और खींच नहीं पा रहा हूँ। कृष्ण ठीक है, पत्नी का अगर प्यास लगा तो कुछ तो करना चाहिए। उन्हें तुरंत बंसी के द्वारा ना
तो उन्होंने गंगा के प्रकट किया है, तो पानी पीने मिलने के साथ साथ उन्होंने क्या किया, तुरंत पानी को पी लिया। लेकिन वहाँ पतिदेव है, इधर में दुर्वासा है, किसी को नहीं पूछा, तुरंत पी लिया है। तो दुर्वासा मुनि क्रोधित हो गया कि मुझे बिना तुम पी लिया, तुम ब्राह्मण को नाराज कर दे, ठीक है आपको 12 साल पोति को छोड़ करके यहाँ ही रहना पड़ेगा, इसलिए द्वारका से 12 किलोमीटर दूर में रुक्मिणी देवी का एक मंदिर है, वहाँ 12 साल उसी अपराध के लिए, लेकिन वो किसी को बिना पूछ करके पी लिया। रोंगती देव देखा है कि 48 दिन के बाद थोड़े खीर आई, क्या हुआ, तो मिलने के बाद उन्होंने नहाया है, हम लोग तो तुरंत खा लेंगे, लेकिन वो उन्होंने क्या किया, नहाया है, तिलक आदि किया, आचमन किया, उसके बाद भगवान को कृष्ण जी को डेकोरेशन करके भोग चढ़ाने के लगा, बहुत मंत्र फूका प्रेम से आनंद से, जो अनेक बहुत दिन के बाद 48 दिन के बाद मैं भगवान को अर्पण करेंगे। तो भगवान पीछे मुस्कराते हुए देख रहा है कि हमारा भक्त कितना प्रसन्न है, तो उन्होंने देखा ये एक मौका है, एक परीक्षा करना चाहिए कि हमारा भक्त कैसा है। उन्होंने तुरंत एक भिक्षा रूप पकड़ करके आज उनके मैं उनके साथ और एक नाम भूल गया है, दोनों आकर के बोले भवती भिक्षांग देही, दारे खड़ा हो गया है भगवान आकर के छद्मवेष भिखारी के रूप से, मुझे बहुत भूख लगी है, भवती भिक्षांग देही। देखा रिंद्रदेव ने देखा मुझे क्या करना चाहिए, जो भिक्षा है प्रसाद भी है, उन्हें मुस्कुराते हुए देखा हमारा क्या सौभाग्य है कि भगवान को बहुत दिन के बाद मिला और एक वैष्णव सेवा करने की भी मिला है। उन्होंने तुरंत खीर भिक्षा को दिया, लेकिन तभी उन्होंने दिल से प्रसन्नता है, भूख में नहीं, किसमें प्रसन्नता है, वो उनको सेवा करने के लिए। हम लोग देखते हैं कभी कभी पकड़ा सिंगड़ा महाप्रसाद का प्लेट ब्रह्मचर्य आश्रम आ जाता है, किसके दूंगा और किसके लूंगा वो तो छोड़ दो पहले और ये कृष्ण। लेकिन ऋषभदेव क्या किया, उन्होंने उनको दिया और देख रहा था कि भगवान हमारा पति बहुत प्रसन्न। इस तरह जो राइटर है लिख रहा था भक्तमाल ग्रंथ में कि अगर इस तरह हम लोग हो जाएंगे तो हमारा जीवन धन्य है। तो ऋषभदेव का कहानी है, रंतिदेव, तो ये भागवतम में रंतिदेव के द्वारा ऋषभदेव के द्वारा ये शिक्षा दिया जा रहा है कि जैसा कि शालक शास्त्री समीप सारप एकत्र दियमान नगृंती बिना मतम सेवनम जनम, भक्त को बिना सेवा छोड़ करके कोई यह सिद्धि उसे कोई रुचि नहीं है, उनके भक्ति चाहिए क्योंकि भक्ति में सब कुछ प्राप्त होते हैं, भक्ति पूर्ण फूल प्रदाता, सब कुछ आनंद परमानंद नित्य आनंद सभी देते हैं। इसलिए ऋषभदेव के शिक्षा से माध्यम से और एक लाइन में है कि योग साधना का मुख्य उद्देश्य भगवान का अनुग्रह और उनकी शरण प्राप्त करना है। इसका मतलब है कि उनके शरण, जैसे कि ऋषभदेव को जो पदांक अनुसरण है वो पदांक अनुसरण के यही है कि उन्होंने संपूर्ण रूप से भौतिक संसार में डिटैचमेंट थे चारों ओर, उसके कोई दूसरा कोई कामना वासना नहीं थे। तो पूछा जाए हम सब जो भगवान श्री कृष्ण का सेवा कर रहे हैं तो उसके कामना वासना किसका है, मेरा है न भगवान का है। कि एक कामना वासना है कि मैं कैसे भगवान कृष्ण जी को सेवा करेंगे,
और दूसरा कि मेरा कैसे कामना पूर्ति करेंगे, तो मैं इसके लिए कहानी बताएंगे इसके माध्यम से। एक समय एक भारतवर्ष में एक राजा थे जायमल, जायमल राजा थे। तो उन्होंने इतना कठोर भगवान का सेवक थे, जो ये पूजा पाठ चलते हैं तो राज कार्य में उसके मन नहीं था, ध्यान कि भगवान के सिवा में कोई त्रुटि ना हो। तो उनके परिवार में इसके पिता माता बेटा पुता पुत्री सभी लोग डरते थे पूजा के समय, नो डिस्टर्ब। एक बार उन्हें पूजा करने लगा है तो उनके दूसरे राज्य के राजा को पता चल गया है कि राजा जयमल जब भी पूजा में बैठते हैं तो किसी में ध्यान नहीं देते हैं। तो उन्होंने सोचा है कि उनके लुफ्सी लालसा है कि राज्य का हड़प निकले, इसे यही एक मौका है। वो जब ही भक्ति में बढ़ जाएगा तब मैं तुरंत क्या करेंगे अटैक कर लें। हम लोग कभी कभी हरे कृष्ण जब करता हूँ, कोई सेवा करता हूँ तो हमारा लक्ष्य रहता है दूसरा चीज। तो देखा जाए राजा जान महल एक दिन जब पूजा कर रहा था तो देखा जाए चारों ओर दूसरा राजा ने आक्रमण कर लिया, पूरा जैसे आक्रमण कर लिया है तो दर्जा बंद है, तो कोई नहीं बोल पा रहा है, कोई सेना को आदेश देने वाला कोई है, राजा सैन्य सामंत सब रेडी है लेकिन जब तक राजा का आदेश नहीं आ रहा है कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। लेकिन देखा है कि राजा हड़प लेने वाला है, उसको माता आकर के ठक्कर लगाया, राजा जयमाल जयमाल सब हड़प ले रहा है जागो। तो माता माता आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, मेरा और थोड़ा सेवा पूजा बाकी है, जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक मैं ही नहीं निकलूंगा। तो उन्होंने फिर दर्जा किलमान, अरे इधर में क्या हुआ, उन्होंने देखा है कि जिन्होंने मुझे दिया है राज्य अगर उन्होंने अगर ले लेगा तो मेरा क्या मतलब है। उन्होंने चाहता है कि जिन्होंने दिया है और उन्होंने अगर रखेगा तो हमारा टेंशन ले लेगा क्या है। राजा जयमल का यह प्लान है, मैं क्या कर सकता हूं, ये तो सारी संसार हमारा प्रभु का है, श्याम सुंदर का है, राधा मदन मोहन का है, अगर उन्होंने रखे तो रहेगा लेके जाएगा तो लेके ये तो मेरा संपत्ति नहीं है। तो उन्होंने फिर हरे कृष्णा पूजा में फूल चरण लगा भोग लगाने लगा, एक मन दर्जा बंद। तो उन्होंने मन तन से, तो हम लोग को देखा है अगर हम लोग पूजा पाठ करेंगे और इधर में इस कन में कोई आक्रमण आ जाएगा तो क्या करेंगे, पूजा चढ़ेगा हाँ? हम लोग तो आधा रख करके चला जाएंगे लेकिन राजा जयमल रख करके देखा, राजा जयमल ने पूजा पाठ करके बाहर आए, सभी लोग चिल्ला चिल्ला सब खत्म होने वाला है। उन्होंने कोई सैनिक रेडी की और जाएगा, तो उनको जो मेन जो घड़ी था घोड़ा, घोड़ा बोलते हैं तो हर्ष हर्ष हाँ घोड़ा, तो जो उन्होंने जयमल का जो घोड़ा है वो घोड़ा कांप रहा था और उसके क्या बोलते हैं हंस पंस हो रहा है ऐसा चल रहा है। तो राजा जयमल क्या हो गया, हमारा घोड़ा तो ऐसा नहीं होता है। उसके बाद उन्हें घोड़ा के पास गए, उसका सैन्य संबंध लेकर के अपने घोड़ा को लेकर के उन्होंने युद्ध जहाँ सैन्य वहाँ गए गए जाकर देखा है कि उनका जो विरोधी जो एग्नेस राजा थे उसके सारी सैन्य मर चुका है। हाँ राजा ने एक जगह में सो करके बोले कि राजा जयमल रक्षा करो क्या हो गया है भाई। कौन न वो जो प्रतिवेशी राजा था उन्होंने एक जगह में कांध हो करके गिर गया है और बोले रक्षा करो उन्हें क्या हुआ। राजा जयमल चकित हो गया है, अरे क्या हुआ भैया मुझे क्या हुआ, लेकिन मैं तो आक्रमण करने के लिए आए थे लेकिन जब मैं यहाँ युद्ध शुरू हो गया है तो आपका ये घोड़ा के ऊपर एक सेना इतना पावरफुल था वो एक ही पूरा हमारा सैन्य को मार डाला। तो मैं सोच रहा था कि अगर मुझे आपका ही राज्य नहीं चाहिए, मुझे वो सैन्य को चाहिए, दिखने भी अच्छा था और उनका तेज से
तो राजा जी बोले कि आप उनको दर्शन मिला, तो आप तो बड़ा भगवान है, हम तो अड्डा पूजा पाठ करके उसको दर्शन नहीं मिला, लेकिन आप तो उनको दर्शन कर चुका है, तो आप तो बड़ा भाग्यवान है। तो राजा दूसरा राजा ने कहा आप तो बड़ा भाग्यवान है। तो वो राजा जयमल को प्रणाम की और उसका आलिंगन करके गदगद हो गया है भक्त के स्पर्श से। इसका मतलब है कि राजा ऋषभदेव उसके पुत्र को जो शिक्षा दे रहा है कि राजा जयमल का भगवान के ऊपर डिपेंडेंट, और हम सब डिपेंडेंट नहीं, हम सब कंट्रोल, क्या बोलते इसको, हमारा हाथ में है सब, मैं ही देखूंगा, इसलिए हमारा सब कर्म बिगड़ जाता है। यहां पर बताया है कि पदांक अनुसरण, हर चीज में देखते हैं भगवान, हम लोग देखा है तुकाराम के लाइव हिस्ट्री में देखा है, उसके बाद और एक लाइव था जिसका नाम था तो इसे भक्तों का जीवन में देखा जाए भगवान के, जब भी हम सब भगवान के पूजा पाठ नाम ध्यान तपस्या में एकाग्रता, जिसके लिए सब कुछ है, लेकिन कभी कभी हमारा मन भटक जाते हैं, इसलिए भगवान के पास हम लोग का प्रार्थना बहुत जरूरी है, मन का नियंत्रण उसके सेवा में मन के लगाना है। राजा जयमाल संपूर्ण रूप से भगवान के, उनको भगवान के पूजा में मन लगा करके उन्होंने सेवा किया है, तो भगवान ने सारी प्रोटेक्शन प्रदान की। तो यहाँ देखा जाए जैसे अनिमा लघिमा महिमा प्रकाम्य प्राप्ति, अगर कुछ मिल जाएगा तो भक्त क्या कर सकता है, भक्ति को भी छोड़ देगा, वो मैजिक देखने लग जाएगा। कभी कभी हम लोग भी सोचता हूँ कि अद्नादि हरिनाम, कभी कभी मैं एक बार सवाल उठाया था क्लास में विमल कृष्ण बाबू को कि हम लोग तो अर्णिमा लघिमा सब पार करके भक्ति जग में आ गया है, क्या हमारा पास तो ऑलरेडी है आठ प्रकार का क्या बोलता है जोग साधना, तो हम लोग तो कुछ देखा सकता है, तो कहाँ है सब तो भक्त इसको यूज भी नहीं कर सकते। यहाँ बताया है, उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि गंगा सागर में एक साधु प्रभुपाद जी का दर्शन करने के लिए आए, तो प्रभुपाद जी पैंडल का अंदर में बैठा है, तो साधु को देख करके कोई इंटर करने नहीं देते, तो बहुत कष्ट में प्रभुपाद बाहर आने वाला था और वो साधु आ गया है, बोला मैं आपका साथ बातचीत करना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद ने आपके पैंडल में गए, 10 मिनट वो बात की और प्रभुपाद जी को देखा, तो वो साधु संत ने बाहर आकर के क्या, तो प्रभुपाद का शिष्य लोग पूछा क्या आपका बातचीत हो गया, बातचीत तो हो गया है लेकिन क्या हुआ, बोले जीवन में पहली बार मैं एक साधु को देखा, सबका तंत्र मंत्र अनिमा लघिमा देता है, तो इसमें और दूसरा चीज है जो किसी में नहीं मिल सकता है। जय श्री राधा मदन मोहन कृष्ण बलराम गुणता की सिंहदेव भगवान की। तो जोगोमाया के कारण यह उद्देश्य प्रसन्न हो जाता है, तो कभी कभी हम सब गुण के आधार पर कभी मोहित हो जाता हूँ भौतिक संसार के आधार पर, लेकिन भक्तों को कभी विचलित नहीं होना चाहिए, भगवान भक्तों को अलग उसके रक्षा करेगा, उनको छोड़कर के भगवान को भी नहीं जा सकता है। तो ऋषभदेव की जो महिमा है, भक्त का जो महिमा है, तो भगवान के महिमा जैसे कि ऋषभदेव का बताया है एक कार्यक्रम में, अगर कोई भगवान का अच्छे भक्त बन जाए तो क्या होगा, भक्त का महिमा सारे संसार में बढ़ जाता है, भगवान के बात सुनने के बाद भक्त, इसके मतलब मैं जो बताना चाहता हूँ, भगवान के अनुग्रह कोई व्यक्ति ऐसा रहता है तो भगवान उनको कैसा चमत्कार कर देता है। एक श्लोक है, काहम रज प्रभातम अधिक यस्मिन जाते सुरतुर कुले तव अनुकंपा न ब्रह्मण न तु भविष्य न वैरमयम
जन्मार्पिता पद्मकरम प्रसाद। तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, देखो मैं तो असुर कुल में जन्म लिया है, लेकिन हमारा पिता हमारा परिवार रज तुम गुण में परिपूर्ण है, लेकिन हाय मैं कितना बड़ा भाग्यवान है। कैसे? जब मैं हमारा गुरुजी के पास भगवान के बारे में सुना था, उसको अनुग्रह किया है और उनके हर बात मानने के कारण स्वयं भगवान मुझे रक्षा करने के लिए एक पिलार को तोड़ करके निकाल करके मुझे रक्षा की है। और क्या, उनके हाथ हमारा सिर में पद्मकर प्रसाद, क्या न ब्राह्मणस्य न भविष्य न वै रमायाम। जो लक्ष्मी देवी इतना दिन तपस्या करके, महादेव इतना दिन तपस्या करके, ब्रह्मा इतना दिन तपस्या करके भगवान के कर पद पद्म कलम कमल हस्त कमल उनके सिर में नहीं गए, लेकिन भगवान के हस्त मेरा सिर में आए हैं। मैं कितना बड़ा भाग्यवान है, असुर कुल जन्म लिया है, लेकिन हमारा प्रभु जी हमारा सिर में हाथ देने से हमारा वंश ख्याति महिमा बढ़ चुका है। तो भगवान के करकमल कितना महिमान्वित है, जो महिमान्वित लक्ष्मी को नहीं कर सके लेकिन मुझे किया है, मैं असुर कुल में जन्म लेने के बाद भी। इसी ऋषभदेव के बताने के चक्कर में बताया है, जो ऋषभदेव का पदांकन करते हुए अगर भगवान कृष्ण जी के अनुग्रह करके यदि हम लोग उन लोग का आदेश का पालन करेंगे तो कृष्ण जी का आशीर्वाद हम लोग को मिलेगा। तो भगवान कृष्ण जी के आशीर्वाद मिलने से चारों ओर क्या बोलता है, सब कुछ मंगलमय हो जाता है, परिवार का पीढ़ी उद्धार हो जाता, संसार में कोई कमना वासना नहीं रहे और सारी संसार के लिए एक आदर्श बन सकते। इसलिए जो भक्तों भगवान को उपासना करना चाहते हैं उसका मनोभाव कैसा होना चाहिए, नाना उपचार की पूजनम आर्त बंदो प्रेमना एवं भक्त हृदयम विदुद्रुम सैद जावत जरठे जठरे पुपासा तावत सुखाय ननुभक्षपे। कैसे ना, नाना उपचार की तो पूजनम आर्त बंदो, जब भी हम लोग भगवान के पूजा करते हैं नाना उपचार द्वारा भगवान की उपासना होती है, लेकिन क्या बताया बोचे या तो सामग्री द्वारा यदि हमारा पूजा करी सॉरी हम लोग पूजा कर सके लेकिन भगवान इसको नहीं ले सके। प्रेमना हृदयम भक्तम विदुद्रुम सैत, कि भक्तों को का जो प्रेम है, भक्त का हृदय की भावना है भवग्राही जनार्दन, भगवान उसी प्रेम ले सके। उसी प्रकार किसी को भूख नहीं है उसके अच्छे खाना प्रदान किया जाएगा तो उसमें कोई रुचि, जरठे जठरे पिपासा, अगर उसके पिपासा भूख नहीं है खाना में उसके कोई रुचि नहीं, उसी प्रकार अगर भूख है तो खाना सुस्वाद है। भगवान के पाने के लिए हमारा भूख है कि नहीं, भगवान को आकुल प्रेम, भगवान को पाना, भगवान का दर्शन करना, भगवान के बारे सुनना, कि हमारा उसके क्या कि उग्र श्रवा, इसका मतलब कि सुनने के लिए प्यास होना चाहिए भूख के तरफ, तो क्या होगा तब तो उनको प्राप्त कर सके। देखता है आज भागवतम क्लास कौन दे रहा है, अः ठीक है भगवान का महिमा सुना तो छोड़ दो, क्योंकि हम लोग का चेतना कलुषित है, जांच करता हूँ, लेकिन हम लोग का उद्देश्य है कि भगवान के बारे में सुनना श्रवण, भगवान के कार्यकलाप चारों ओर श्रवण करने से जो रुचि भूख जब होगा तब, जैसा कि भूखा रहने वाला आदमी को जैसा खाना स्वाद है स्वादिष्ट है, उसी प्रकार भगवान के हर चीज को उसको प्यास होना चाहिए तो भगवान उसको प्यास को पूर्ण करेगा।
लेकिन अगर हमारा प्यास नहीं है तो हम सब कर सकते हैं, लेकिन समय लगेगा। इसलिए भगवान के प्रति जीवात्मा का जो संपर्क है बहुत क्या बोलता है, बहुत निकट है। इसलिए भगवान के छोड़ करके किसी प्रकार समय जब हम लोग भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान के मान एकदम होना चाहिए। इसलिए कुलशेखर ने कहा है, नाहं वंदे तम चरणम दंदम अदंदम हे तो कुंभी पापम गुरुमपि नरक नापने तम रम्यम रमा मिदुतन लता नंदने नाभिरंतुम भावे भावे हृदय भवने भवयम भवंतम। तो उनका राजा कुलशेखर का जो महिमा है, मुझे इस श्लोक के बीच में एक कहानी है कि राजा कुलशेखर भगवान को दर्शन करने के लिए इतना आकुल हो गया है, दर्शन नहीं हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें एक तांबा का प्लेट को आग में जला दिया है, बोले मैं वहां से ही क्या करेंगे, सम शरीर त्याग करेंगे। तो उन्होंने वही तांबा बोलते हैं तांबा का प्लेट जल के लाल हो चुका है, अभी कृष्ण विरह में भगवान के पानी की प्यास में इतना तरस रहा था, बोले मैं अभी हमारा जीवन को सौंप देंगे। उन्होंने सही तांबा के प्लेट में गए और तुरंत वो लाल जलने वाला जो प्लेट था तुरंत शीतल हो गया है और पुष्प गिरने लगा है, भगवान आकर उसको दर्शन दिया है। तो भक्त का प्यास ऐसा है, इसलिए नाहं वंदे तम चरणम दंदम अदंदम हे तो के संसार में मैं दोनों प्रकार है, मुझे नरक में जाने में कोई टेंशन नहीं है और स्वर्ग में कोई रुचि नहीं है। क्या कैसे, नाहं वंदे तम कुंभी पापम गुरुमपि नरकम नापि नेतम, कुंभी पाक नाम नरक भी जाना है तो मैं जाने के लिए रेडी है, लेकिन रम्यम रमा मिदुतन लता नंदन कानन में जो अप्सरा का डांस है सौम्रज है मुझे उसमें कोई रुचि नहीं है। भावे भावे हृदय भवने भवयम भवंतम, मुझे क्या रुचि है, जब भी मैं भगवान श्री कृष्ण को हर चीज में सेवा करना है, भगवान का नाम को महिमा करना है, मैं वही जो आनंद भावे भावे हृदय भवने मैं वो टेस्ट लेना चाहता हूँ। तो भगवान के सेवा में जो सुख आनंद परमानंद है मैं वो लेना चाहता हूँ। तो जो भगवत भजन करने वाला भक्त है तो उसमें रुचि रखते हैं। इसलिए भागवत में कहा गया है, न तद वचचित्र पदं हरेर जसो जगत पवित्रम प्रागृणित करजित तद वासयम उसंति मानसा न जत्र हंसा निरमंती उशिक्षय। जो बाहर जगत में जो इंसान है तो वो लोग क्या करता है, भौतिक संसार के बाद खबर कागज ये दूसरा सारे संसार के काक के तरह बताया है, काक शहर का क्या खाता है, गंदा चीज खाता है। लेकिन राजहंस क्या खाता है ना, उन्होंने सागर क्या बोला सरोवर में रहता है और उन्होंने मधु पीते हैं, मधु शायद पीते हैं। उसी प्रकार जो भक्त है भगवान का महिमा को भावे भावे हृदय भवने, उसी प्रकार कर्ण रूहर में भगवान के महिमा श्रवण करेंगे, भगवान के सेवा में आनंद लेंगे। और जो भक्त काक के स्वरूप है, जो इंसान भौतिक चीज में रुचि रखते हैं तो उसको काक के माध्यम काक के उदाहरण दिया गया है, तो वो खाली गंद चीज ही और शहर का क्या करेगा, गंद को सफाई करेगा ये रुचि रखते हैं। इसलिए जो भक्त है तदभाग विसर्ग जनता आग विप्लव, तो भगवान के हर शब्द कोश को उन्होंने मनन करेंगे वह आनंद को प्राप्ति करेंगे। इसलिए भागवतम में सॉरी भागवतम ब्रह्मा ने कहा है, जो जहाँ रहे ज्ञान प्रयास उदपास नमंत एवं जीवंती सन्मुखरितम भवदीय वार्ताम
स्थाने स्थिता स्तिगतांग तनुवान मन भी जो प्रयास जीते जीते अपिय स्त्रीलक्यम ज्ञान प्रयासम ये भौतिक ज्ञान जो है ज्ञान उदोपास्य नमंतयम उसको समस्त को छोड़ दे जीवंत सन्म भवदीय वार्ता ये संसार जो भवदीय वार्ता है वो क्यों उसको भी छोड़ना चाहिए। खाली क्या करना चाहिए स्थाने स्थिता श्रुति गतांग जहाँ जहाँ रहोगे कान खुल करके भगवान का नाम सुनो भगवान की महिमा भगवान के बारे में ही सुनो अजीतो जीतो जिन्हें अजीत है ये संसार को जय करने वाला जो है जिन्हें मुक्तिदाता है उसके श्रवण करो अपिय स्त्रीलक्यम ये त्रिलोक विजयी भगवान श्री कृष्ण की महिमा का श्रवण करो। इसलिए हम लोग बड़ा सौभाग्यवान है कि शिला प्रभुपाद की कृपा से सुबह से शाम तक बहुत ही संसार छोड़ करके एक सुंदर वातावरण मिला है सुबह भागवतम क्लास भक्त का साथ भगवान की महिमा भगवान के प्रणाम भगवान के शिवा पूजा हर चीज में इतना सुंदर मौका मिला है। तो हम लोग को जैसा है कि इतना सुंदर परिवेश को हम लोग प्यार से लेना चाहिए हम दूसरा चीज़ में ध्यान देना नहीं चाहिए। जैसे कि कपड़ा में सारी कपड़ा अच्छा है कभी कभी कपड़ा में काली दाग रहता है आप लोग देखा है ना गाड़ी गाड़ी रहता है ना गाड़ी के सामने मिर्ची मिर्च रख देता है नहीं लोग भूत प्रेत का एक क्या रख देता है क्या बोलता है खुबड़ी रख देता है कि क्यों को ध्यान वहाँ जाना चाहिए। उसी प्रकार हम लोग संस्था में रहते हैं बहुत कार्यक्रम रहता है लेकिन वही वही भूत का खुपड़ी का तरह ध्यान नहीं रहना चाहिए बाकी हर चीज़ में ध्यान नहीं रहना चाहिए गंदा चीज़ में बिल्कुल कौन अच्छा है कौन बुरा है कौन क्या कर रहा है हम सब कृष्ण भक्ति करने के लिए आए हैं हम लोग मिर्ची देखने के लिए नहीं आए हैं और खुपड़ी खुपड़ी मीन्स दूसरा का गंदा चीज़ देखने के लिए नहीं है हम सब ऑनली फॉर फायदा लाभ लूटने के लिए आए हैं। कृष्ण भक्ति रस भवतामति प्रियता यदि कुतो अपि लभ्यते तत्र लौलम अपि मूल्यम कलम जन्म कटि सुकृतिरे न लभ्यते जीवंत सुकृतिवान है भक्ति करने मिला है फायदा ही फायदा है। इसलिए भक्त को फायदा में ध्यान देना चाहिए खुपड़ी में ध्यान नहीं देना चाहिए डोंट माइंड यही हम लोग का जीवन है तो हमारा जीवन धन्य जाएंगे और ऋषभ देव भी हम लोग का आशीर्वाद करेंगे क्योंकि ऋषभ देव भी अपने पुत्र के माध्यम से इतना सुंदर शिक्षा दिया है और प्रभुपाद जी ने सिखाया है और हम लोग भी हमारा गुरु महाराज के पास भी जो जितना समय मिले कृष्ण नाम कृष्ण भजन कृष्ण सेवा में जीवन बिताए। हरे कृष्ण किसी को कोई सवाल रहे पूछ सकते हैं। बोलो प्रचार ही शुद्ध भक्ति है निर्जन भजन प्रचार को ही कहलाता है। प्रभुपाद जी ने उनके जो नामाष्टकम में सॉरी भजन अष्टम भजन लिखा है तो आखिरी में बताया है जो घर में भजन करते हैं उसको निर्जन भजन नहीं कहलाता है उनको बताया है प्रभुपाद जी ने जो ज़्यादा हरे कृष्ण भजन करता है घर में उसको पित्त गर्म हो जाएगा पित्त गर्म होने के साथ साथ उसका दिमाग गर्म हो जाता अरे खींच खींच करेगा वो उसको उसको प्रचार नहीं कहलाता है। जो भक्त होता है कृष्ण भक्ति प्रचार करता है तो उसको शुद्ध भक्ति और निर्जन भजन कहलाता है लेकिन दोनों चीज साथ साथ चलना बहुत जरूर है भजन भी होना चाहिए और प्रचार भी होना चाहिए। अगर कोई प्रचार करेगा भजन नहीं करेगा तो बहुत ही संसार का जो वातावरण है मैं देखा जीवन में बहुत पता नहीं क्या होने वाला है जो प्रचार करता है वो प्रताड़ित हो जाता है प्रचार करने वाला प्रताड़ित हो जाती है मीन्स वो जिसका प्रचार करता है उन्होंने ही प्रचार कर लेता है घर में रख देता है। बहुत भक्त प्रचार करने के उसको उद्धार करने के लिए गाय है तो खुद ही माया में गायब हो जाता है। इसका मतलब है कि भजन का पावर नहीं रहे तो आपको आकर्षित कर लेगा भौतिक संसार में माया जाल में बांधा हुआ है। तो मैं सुना था एक क्लास में
राधानाथ स्वामी महाराज ने एक लेक्चर में बताया है कि पहले सुबह से शक्ति संचरित करो और दोपहर में जाकर के वो शक्ति को डिस्ट्रीब्यूट करो। लेकिन हम लोग शक्ति संचरित नहीं करेंगे, जैसा है कि कोई कुछ सांपड़े हो, भूत प्रेत हो, जो लोग हैं, पहले अपने शक्ति को सुरक्षा रख, प्रोटेक्शन, जाप ध्यान सत्संग प्रोटेक्शन होना चाहिए। लेकिन आप जाप नहीं करेंगे, प्रचार करेंगे, तो उनके क्या बोलते हैं, हमें एक लाइन में बताया ना कि जोगो माया के कारण यह उद्देश्य प्रसन्न हो जाते हैं, कि माया के कारण आपके उनके प्रति जो भावना होना चाहिए, जैसे कि आपको लगेगा ये माया है, लेकिन आपको लगेगा ये अच्छा है, तो आप आकृष्ट हो जाओगे। इसलिए भजन बहुत जरूरी है। शुद्ध व्यक्ति उसे कहलाता है जो राधा रानी का सेवा करता है, श्रीमन महाप्रभु का सेवा करता है, गुरु गौरांग की सेवा के लिए जीवन सौंपता है, उसको ही निर्जन भजन कहलाता है, उसको शुद्ध भक्ति कहलाता है। जो अपने पूर्ति के लिए, अपने कामना के लिए, अगर यही प्रचार अपने तुष्टि के लिए होता है तो वो प्रचार नहीं है। अगर किसी का भक्ति कराना है, उसके मतलब है कि भगवान कृष्ण जी के साथ जुड़ाना है। अगर मतलब है कि मैं उसको फॉलोअर्स बनाएंगे, इसके मतलब है कि अपनी इंद्र तृप्ति हो रहा है, तो वो भी भक्ति नहीं है। ऑनली सेटिस्फेक्शन फॉर कृष्ण, क्योंकि आपने कोई रुचि नहीं रहना चाहिए कि हमारा फॉलोअर्स बनने वाला है, कि हमारा बात सुनेगा, कि मेरा ये सब चल रहा है, कुछ छीटे फटा के अगर अपने बारे में बात आएगा तो उसको शुद्ध भक्ति नहीं है। वो अपने इंद्र तृप्ति आएगा तो उसमें क्या कि उसका असफलता हो, वो ब्रेक डाउन, क्या बोलते उसको, फॉल डाउन हो जाएगा, कि वही चक्कर में ही शांत हो जाएंगे। और कुछ बोले समझ तो आप बहुत सुंदर बताया है। तो हम लोग अक्ष सिद्धि यदि अगर पार चुक नहीं होता तो कृष्ण भक्ति, कृष्ण का चरण में हम लोग फूल नहीं दे सकते। लेकिन भगवान भक्तों को ये चमत्कार दिखाने के लिए मौका देगा तो भक्त भक्ति नहीं कर पाएगा। नाम जस प्रतिष्ठा, पता है ना, आपको कोई बोलता है ना आप अच्छे करते हैं, कैसे लगता है, आनंद आ जाता है। तो अपने बारे में अगर थोड़ा महिमा आ जाता है तो भगवान को भूल जाता है। भगवान को पता है कि अगर उनको अष्ट सिद्धि दे देंगे तो हमारा महिमा बंद हो जाएगा क्यों उसके चक्कर में गिर जाएगा। श्रील प्रभुपाद ने चमत्कार दिखाया है भक्ति हमारे। एक बार गोरकृष्णदास बाबाजी महाराज वृंदावन में भजन कर रहे थे, तो कुछ गोवालक मैंने ब्रजवासी लड़का लोग जाकर के, अच्छा बाबा आप तो बहुत भजन कर रहा हो तो चमत्कार कुछ दिखाओ। तो उन्होंने एक झाड़ू लेकर है, झाड़ू लेकर के बहुत पीटा, एक मारा, पूछा क्या जादू दिखाया, बोला आप पूछो वहाँ जाकर, कहाँ निधिवन में कुछ गाय ना कुछ जंतु है, कुछ बकरी घुस रहा था तो वहाँ उन्होंने यहाँ बांट करके वो बकरी को वहाँ से हटाया है। तो वो ब्रजवासी लड़का लाकर बोले बाबा आप तो बहुत चमत्कार दिखा दिया है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोरकृष्ण बाबा जी मोहन नहीं दिखाते थे। तो हमारा जो इसको जो आया है कोई साधारण नहीं है, सब भक्त लोग सब साधारण है, एक बार देखने लग जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए भगवान ने इसको, अगर आप मांगेंगे मुझे अष्ट सिद्धि चाहिए तो भगवान तुरंत आपके पास भक्ति, इसलिए बताया है कि भुक्ति मुक्ति स्प्रिया जावत पिशाची हृदय वर्तते तावत सुख सुशत्रण नन्य अवध्य कश्चित, बताया है कि भुक्ति मुक्ति स्प्रिया जावत पिशाची हृदय वर्तते, जैसा है कि वो पिशाची के तुलना किया गया है शास्त्र में भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद बताया है। अगर भुक्ति मुक्ति स्प्रिय है तो उसके मतलब है कि आपकी पिशाची आपको पकड़ लिया है, वहाँ में ताबाद भक्ति सुख सत्र नान्या अबोध्य भवेत, तो भक्ति का
छींटे फटा भी नहीं रहेगा। अगर हमारा यह अष्ट सिद्धि चाहिए तो भक्ति संपूर्ण रूप से क्या होगा, बताए कि 9 क्लास में जो एग्जाम चलता है वो होने के बाद 10 क्लास में हम लोग जाता हूँ, तो 9 क्लास का कोई चर्चा वहाँ नहीं होता है। समझ में आ रहा है मेरे बात? जैसे 9 क्लास में पढ़ाई करता हूँ जो गणित चलता है, प्रोसेसिंग चलता है, लेकिन वही क्लास 9-10 में नहीं होता है। जो भी अष्ट सिद्धि अष्टमा लोकमा प्राप्ति उसी स्टेज में था, लेकिन जब भक्ति जगत में आ गया है तो उसका हमारे जरूरत नहीं। इसलिए हम लोग चमत्कार, अगर हम लोग अगर भगवान के पास चाहेंगे थोड़ा चमत्कार हो जाए तो हमारा भक्ति नष्ट हो जाएगा। हरे कृष्ण। अंतरा श्रीमद भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे।